तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एसी सर ने एक्सप्लेन किया है बच्चों, और हम उसी मोमेंटम को आगे कैरी कर रहे हैं। आप फटाफट से लाइक कमेंट ठोकते जाइए और हमारी एनर्जी को और बढ़ाते रहिए। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ 31 से। देखिए 31 सवाल, थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कैलकुलेशन थी ये हमारे पास। हम चाहे तो इसको काइनेमेटिक्स में भी बोल सकते हैं, बट बेसिकली हम इसको सर्कुलर मोशन में सबसे पहले कवर करते हैं। एंगुलर स्पीड, स्पीड दे रखी है बच्चों ऑफ ए फ्लाई व्हील, मतलब जैसे पहिया घूम रहा हो, गोल गोल पहिया घूम रहा हो, और मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर। बच्चों कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नोटिस करनी होती है पेपर के अंदर, यानी एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी अल्फा, अल्फा दे रखा है। अल्फा कैसा दे रखा है बच्चों? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म शब्द का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंट। अब हमको कहा जाता है चेंजेस फ्रॉम 1200 RPM टू 3120 RPM। अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर ओमेगा वेक्टर में थोड़ा ना दिया है, तो क्या पता अगर हम ओमेगा इनिशियल को 1200 माने तो क्या ओमेगा फाइनल प्लस माइनस 3120 होगा? तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने आई थिंक प्लस लेकर ही पूरा आंसर दिया हुआ है, क्योंकि हो सकता है वीर उल्टा आ जाए, क्योंकि एक भी ऑप्शन में अल्फा नेगेटिव नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको प्लस लेते हुए ही काउंट करेंगे। फॉर्मूला मेरे ख्याल से ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट इंटू 1 + αd, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा डी, सभी बच्चों को आता होगा, काइनेमेटिक्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला है, जस्ट लाइक वी इज इक्वल टू यू प्लस at। ओमेगा फाइनल कितना दे रखा है? 3120। बच्चों नोटिस करने वाली बात थी यहाँ पर आरपीएम दिया हुआ है, जबकि एक मिनट थोड़ा सा कुछ एरर आया है, हल्का सा ये एरर आया है। मैं चाहूँगा सपोर्टिंग टीम से इसको डिस्प्ले से हटाएं। आई रिक्वेस्ट टू माई सपोर्टिंग टीम एक मिनट के लिए इसको ये हटाइए यहाँ से। ओके हटाइए फटाफट से। ओके हटाइए इसको। देखिए बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे माइनस में बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब अल्फा प्लस मानेंगे और आरपीएम को कन्वर्ट करेंगे। आर रोटेशन, एक एंगल, एक रोटेशन में आपको पता है 2π, एक चक्कर में, एक साइकिल में 2π घूम जाते हैं पर मिनट। मिनट को कन्वर्ट कर लिया 60 के अंदर, क्योंकि ऑप्शन में बच्चों देखिए नीट जब हम पढ़ाते हैं तो ये कहते हैं यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है सवाल के अंदर, तो यहां से हम लोगों ने इसको 2260 कर दिया है। अब हम ओमेगा नोट डालेंगे, दैट इज 1200 इंटू 2π/60 प्लस अल्फा। इन कितने मिनट में आया, कितने सेकंड में आया? 16 सेकंड में आया, तो हमने यहाँ पे 16 डाल दिया है। अब यहां से आप अल्फा की वैल्यू जब निकालेंगे 3120 माइनस 1200 इंटू 2π/60। अब बच्चों कैलकुलेशन बची है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2π/60, और यहाँ से इसको जब कैंसिल करते हैं तो यहाँ से जब आप इसको पूरा कैंसिल करेंगे, अच्छा एक थोड़ी सी गलती हो गई है जल्दीबाजी कैलकुलेशन करते समय, अल्फा इंटू 16 की वैल्यू आई है और डिवाइड बाई आप क्या करेंगे 16 भी तो करेंगे, जो मेरे से गलती हो गई है, 1920 इंटू 2π/16 इंटू 60। बच्चों जब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर आ जाएगा 4 × π। तो मेरा मानना है ये लगभग सभी बच्चों का सही गया होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मैं चाहूंगा टीम से डिस्प्ले में डालें क्वेश्चन नंबर 32। ओके अब देखिए हमारी टीम भी आज इतनी रात तक काम कर रही है, काफ़ी समय होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, संडे होते हुए भी सब लोग यहाँ पर हैं, केवल बच्चे आपकी और आपके लिए कि आपको जल्दी से जल्दी आंसर की मिले, आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन मिले। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, आप देख सकते हैं स्क्वायर लूप। तो बच्चों सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेंगे, लूप का मतलब सभी को पता है, एक राउंड शेप बना दी है, राउंड गोल न होकर ये यहाँ पर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के फॉर्मेट में है। अब बच्चों यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसकी साइड आपको कितनी दे रखी है? 1 मीटर दे रखी है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे इस 1 ओम को देखकर कंफ्यूज हो गए, चलो देखते हैं आगे यूज होगा नहीं होगा। प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अब किधर लगाएं? तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि इफ द प्लेन ऑफ द लूप, प्लेन ऑफ लूप ये हो गया परपेंडिकुलर, या तो आप अंदर ले लीजिए या आप बाहर ले लीजिए। तो मैं बच्चों यहां पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को ले रहा हूं, तो मैंने अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ले लिया है बच्चों।
तो बोला जाता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, आई थिंक सभी बच्चों को मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट दिया है। अब यहां पर आप देखेंगे तो बी रेडीमेड दिया है 0.5 टेस्ला, दैट इज हाफ, दैट इज हाफ। और अब हमें एरिया चाहिए। कुछ बच्चों का दिमाग लग रहा होगा सर ये किस लिए दिया है, ये तो एरिया की कैलकुलेशन में भी यूज नहीं हो रहा, ये किस लिए दिया, अरे तो एक्स्ट्रा ही तो दिया है, डेटा ज्यादा ही तो दिया है, कम नहीं दिया है। अब यहां पर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होता, वेरिएबल होता तो मैं यहां पर कुछ इंड्यूस पैरामीटर करवाता और इस रेजिस्टेंस का यूज करता, बट चूंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो हम सिंपली एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर लूप है मतलब साइड का स्क्वायर कर देंगे 0.5 इंटू 1 स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर आपको आंसर आ जाएगा 0.5, और वेबर इसकी यूनिट होती है, मेरा मानना है सभी बच्चों को पता होगा मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। तो ठीक सवाल था, ज्यादा टफ भी नहीं बोलेंगे, आसान भी बोलेंगे, बस एक फॉर्मूला आना चाहिए था। मेरा मानना है कि ये भी शायद बच्चों के लिए बहुत ही आसान रहा होगा। मेरा मानना है बच्चों सभी इस बात से अप्रिशिएट करेंगे नहीं करेंगे कि आज का नीट का पेपर, स्पेशली फिजिक्स का पेपर, आसान कैटेगरी का था, इजी कैटेगरी का था, कंपेयर टू जो भी हमारे अदर कलीग्स केमिस्ट्री और बायो वाले जो भी फीडबैक देंगे वो आप सुनिए, उसको आप कंपेयर करिए कौन सा पेपर ज़्यादा आसान था, कौन सा पेपर ज़्यादा टफ था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 33। हम स्पीड में इसलिए बता रहे हैं बच्चों क्योंकि हम जिस स्पीड में बता रहे हैं आपको इससे भी ज़्यादा स्पीड में वो पेपर करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको रेडीमेड एक ग्राफ दिया है, ग्राफ दिया है। अरे काइनेमेटिक्स का सवाल है, पहला चैप्टर फिजिक्स का, पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चे शायद कमेंट में ऐसे लिख रहे हैं, कुछ बच्चे शायद कन्फ्यूज हो रहे हैं। देखिए ये जो हमारे पास पेपर आया है ये एक स्टूडेंट का पेपर है, बहुत ही फास्ट, जैसे वो स्टूडेंट बाहर निकला अराउंड 5:25 के आसपास ये हमारे पास पेपर आ गया था। तो उस पे बच्चे ने जो टिक किए थे वो टिक आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि यहाँ जो टिक लग रहे हैं वो करेक्ट आंसर हैं। आपको अगर एग्जिट आंसर की चाहिए तो आपको स्कॉलर इनकी साइट पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर हम आंसर की डाउनलोड कर चुके हैं, वहाँ पर जाइए और वहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है फॉर द पार्टिकल्स मेकिंग एंगल 30° एंड 45°। अब सभी बच्चों को याद होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप आता है जिसको हम मैथमेटिकली ds/dt कहते हैं, दैट इज द वेलोसिटी, इसी को तो फिजिक्स में वेलोसिटी बोला जाता है बच्चों। अब आप यहां पर देखेंगे तो ये दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट होता है। अगर मैं समझने के लिए, चूंकि उसने यहां पे बोला था रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी, तो रेस्पेक्टिव मतलब 30 डिग्री, उन्होंने 30° वाले को क्या माना है बच्चों, 30° वाले को क्या माना है, उन्होंने पहला माना है और 45° वाले को बाद में माना है। तो यानी 30° वाले का स्लोप आ जाएगा tan 30°, दैट इज v1, और दूसरे वाले का स्लोप v2 आ जाएगा tan 45°। और यहां से बच्चों जब हम v1/v2 की बात करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा tan 30 होता है 1/√3, दैट इज 1/√3। सो द करेक्ट आंसर इज 2, करेक्ट आंसर इज 2, ओके चेक कर, करेक्ट आंसर इज 2। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके चलिए बच्चों, बहुत 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 धन्यवाद, आप लोग हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और सभी बच्चे देख रहे हैं इसको, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30।